हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टोपर ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके CDS से के रिलेटेड। जो आपका CDS का रिजल्ट है OTA वाला, वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें आपको दिक्कत आ रही है कि हम अपने मार्क्स कैसे चेक करें। आप UPSC की साइट पर और सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि मार्क्स कैसे देखेंगे और इस बार की कट ऑफ क्या गई है। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी लोग जो अपना फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर है मार्क्स, तो डाउनलोड मार्क्स आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने सबको अपने यहाँ से मार्क्स पता चल जाएंगे। और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया OTA वालों का। तो यहाँ पर फिर बात करते हैं इस बार की कट ऑफ क्या गई है। तो सिंपल, इस बार की कट ऑफ हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट हैं और ओल्ड स्टूडेंट हैं, अपनी तैयारी इसी के माध्यम से करें, देखकर कि इस बार कितनी कट ऑफ गई है उस हिसाब से। ठीक है, उस हिसाब से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो IMA की कट ऑफ गई है, सबसे पहले तो जो सबसे हायर नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हायर नंबर स्टूडेंट जो है वो है यहाँ पर प्रवेश कुमार। ठीक है, इनके जो हायर नंबर है 172, 352, 372, 327। ठीक है, 327 नंबर हायर गए हैं आपके एग्ज़ाम में IMA वालों के। तो यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम नंबर, IMA की कट ऑफ कितनी गई है, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है। तो मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए हम जाएंगे, इसे नीचे स्लाइड करेंगे और देखते हैं कितने कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम जैसे नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो सबसे कम, ठीक है, जो सबसे कम नंबर आए हैं वो आए हैं 242 नंबर। फाइनल कट ऑफ गई है आपकी 242 पर। कितनी पर गई है? 242 पर गई है फाइनल कट ऑफ, जिसमें से 116 नंबर हैं रिटर्न एग्ज़ाम में और SSB मार्क्स चाहिए 126, 126 नंबर। ठीक है, मतलब 116 जिसके रिटर्न में थे, 116 नंबर जिसके रिटर्न में आ गए वो सिलेक्ट है। और जिसके SSB में कितने आ गए? 126। कितने आ गए? 126। जिसके SSB में आ गए उसका भी क्लियर है। तो यहाँ पर अब दिया गया है, क्लियर सी बात आ गई आप सभी के सामने। तो यहाँ पर SSB में कुछ कम भी हैं, जैसे कि 122 के करीब भी हैं। तो कहने का मतलब ये रिटर्न में जिसके भी नंबर यहाँ पर 116 है और SSB में मिनिमम जो कट ऑफ गई है 122 गई है, मगर कहने का मतलब ये रिटर्न एग्जाम की जो कट ऑफ गई है वो गई है 116 IMA वालों की। तो यहाँ पर फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी INA वालों की, नेवी वालों की कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पर जब हम नेवी वालों की कट ऑफ चेक करते हैं, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले नेवी वालों के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो गई है इनकी मिनिमम 107। कितनी गई है? मिनिमम रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है 107। और आपकी बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में जो SSB है, SSB वालों की कितनी गई है? तो SSB वालों की फिर से वही गई है 122। ठीक है, मगर रिटर्न की कम हो चुकी है, रिटर्न क्यों हो चुकी है? 107। किसकी? INA वालों की। फिर बात करते हैं यहाँ पर मेनली, उसके बाद आते हैं आपके एयरफोर्स वाले, इंडियन एयरफोर्स वाले, जिसमें आपके यहाँ पर कट ऑफ दिखाई जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन एयरफोर्स वालों को, इसमें जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें से जो स्टूडेंट हैं उनमें गई है 136 और 128 मिनिमम कट ऑफ। 136 गई है, सबसे हाई गई है एयरफोर्स वालों की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं इसमें कि OTA वालों की कट ऑफ क्या गई है। तो OTA वालों की कट ऑफ गई है इसमें काफ़ी कम, और बहुत कम कट ऑफ गई है और साल के मुकाबले। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लियरली आपके सामने जो कट ऑफ गई है वो गई है 78। ठीक है, इस बार मैन की कट ऑफ गई है वुमेन से हाई, 78 गई है आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ। और बात करते हैं SSB की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, OTA वालों की रिटर्न एग्ज़ाम की गई है 78 और SSB की गई है 81। ठीक है, तो कुल मिला के 160 जिसके फाइनल थे, 160 नंबर थे SSB और मिलाकर उनके वे क्लियर हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए थोड़े हाई गई है, ज़्यादा हाई नहीं गई है, एक नंबर ज़्यादा है ओनली। कितने नंबर ज़्यादा है? ओनली एक नंबर ज़्यादा है, वो भी SSB में। ठीक है, कितनी गई है? रिटर्न एग्ज़ाम की गई है 78। और बात करते हैं SSB की कितनी गई है, तो SSB की गई है 82। ठीक है, कितनी गई है? 78
82, उसमें गई है 81, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गई है गर्ल्स की, और कुल मिला के 162 नंबर होने चाहिए गर्ल्स के लिए क्वालिफाई होने के लिए OTA, और मैन के लिए चाहिए ओनली कितने 160, दोनों के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि इतने नंबर जिसके हैं वो क्वालिफाई हो गया है। तो फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या जाने वाली है। नेक्स्ट ईयर में कोई बदलाव नहीं होने वाला, इतनी ही होने वाली है। तो दोस्तों तैयारी करते रहें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, और तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।